हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूं। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरा रेगुलरली कुछ अपडेटेड वीडियो डालता रहता हूं। ऐसे ही मेरी आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है अंडर वाटर फोटोग्राफी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ, इनकी जो डेली ट्रेंडिंग में डिमांड आती है तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियोस में कुछ पॉइंट्स मिसिंग लगते हैं तो आप लोग कमेंट करके उसका शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आगे से उसको इम्प्रूव करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और जो हमारे अदर व्यूअर्स हैं वो भी उस बारे में थोड़ा सा सीख सकें। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है अंडर वाटर फोटोग्राफी। वैसे तो मोस्टली हम लोग एज ए वेडिंग फोटोग्राफर, हम लोग जो शूट करते हैं वो नॉर्मल शूट करते हैं, स्टिल फोटोग्राफी, लाइव फोटोग्राफी। मगर जो आज का मेरा ये टॉपिक है ये है अंडर वाटर फोटोग्राफी। और क्या होती है अंडर वाटर फोटोग्राफी? अंडर वाटर फोटोग्राफी होती है कोई भी फोटो या वीडियो जो हम अंडर वाटर क्लिक करते हैं, स्विमिंग पूल, सी में, नदियों में, कहीं पे भी हम शूट कर रहे हैं, चाहे उसमें हमारा कोई एनिमल हो, बर्ड्स हो, उनकी एक्टिविटी हो, या कोई हमारा पीपल हो, या कोई लैंडस्केप शॉट है, तो वो सारे जो भी क्लिक होते हैं, जो व्हाट कैमरा शुड आई बाय फॉर अंडर वाटर फोटोग्राफी। आप ओलंपस का TG6 ले सकते हैं, निकोन कूलपिक्स का W300, रिचो का WG70, पैनासोनिक का FT30, फ्यूजी फिल्म का XP140, सी लाइफ DC2000, गोप्रो हीरो 9 ब्लैक, DJI ओस्मो एक्शन। हाउ डू अंडर वाटर फोटोग्राफर्स अर्न और वेयर डू अंडर वाटर फोटोग्राफर वर्क्स? ये हमारे माइंड में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि अंडर वाटर फोटोग्राफी कौन करता है और इसके कैसे अर्निंग की जाती है। मोस्ट फोटोग्राफर्स एज ए फ्रीलांसर वर्क करते हैं फॉर मैगजीन्स, पब्लिकेशन हाउस, प्रिंट एंड टेलीविजन्स, फिल्म एड्स एंड कुछ आजकल ट्रेंडिंग में प्री वेडिंग में भी वीडियो शूट्स हो रहे हैं एंड स्टिल फोटोग्राफी होती है। तो अंडर वाटर फोटोग्राफर्स फ्रीलांसर काम करते हैं। कैमरा एंड लेंसेस मोस्टली DSLR कैमरास जो होते हैं उनकी अंडर वाटर के लिए केसिंग आती हैं। कैमरा एंड लेंसेस कौन से यूज होते हैं अंडर वाटर फोटोग्राफी में? अंडर वाटर फोटोग्राफी में मोस्टली कई कैमरों के अंडर वाटर केसिंग आती है, वो यूज होते हैं, और उनके साथ में वाइड एंगल लेंसेस एंड मैक्रो लेंसेस यूज होते हैं। हाउ कैन आई टेक अंडर वाटर फोटोग्राफी विदाउट वाटरप्रूफ कैमरा? अगर आपके पास DSLR कैमरा नहीं है और आपने अंडर वाटर फोटोग्राफी करनी है तो आप अपने मोबाइल फोन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए प्रोटेक्टिव केस यूज़ कीजिए ताकि आपके मोबाइल में पानी ना जाए। तो अब आपने कैमरा, लेंसेस, इवन मोबाइल, जिस पे भी अगर आप शूट कर रहे हैं वो सब आपका गैजेट्स रेडी हैं। इवन मॉडल भी आपका रेडी है, या जहाँ पे भी आप शूट कर रहे हैं वो जगह भी आपकी रेडी है। तो शूट स्टार्ट करने से पहले आप ये ज़रूर देखें कि अगर आप स्विमिंग पूल में शूट कर रहे हैं या किसी नदी में या तालाब वगैरह पे शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके आसपास में कुछ जो सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी होती हैं उसमें से कोई अवेलेबल रहे, ताकि कोई भी मिसहैपनिंग होने से आप बच सके। कई बार ऐसा होता है कि किसी मॉडल के पैरों में या हाथ में कपड़ा फंस गया,
और उससे मिस हैपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा कुछ ना हो इस प्रिकॉशन के लिए पास में आपके कोई सिक्योरिटी होनी बड़ी ज़रूरी है, जो कि आप पे और जिस भी प्रोडक्ट या आप जिसका भी शूट कर रहे हैं उन पे क्लोज निगाह बनाए रखें, ताकि आपका कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। और इन केस कोई इमरजेंसी आन पड़ती है तो वो आपका हेल्प कर सकें। तो अब आपने अपने लेंसेज, कैमरा, फ्लैश सब रेडी हैं, मॉडल भी रेडी है आपके नियर अबाउट, सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी भी है, और आप शूट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जो अंडर वाटर के लिए आइस के लिए ग्लास आते हैं वो यूज़ करने हैं, और मास्क ऑक्सीजन के लिए यूज़ करना है, क्योंकि अंडर वाटर हमारी सांस लेने की बहुत दिक्कत हो सकती है। साथ ही आपने अगर अच्छा शूट करना है तो आप अंडर वाटर के लिए वाटर के लिए लाइफ गार्ड जैकेट होती हैं, अगर वो डालेंगे तो आपका वेट थोड़ा लाइट रहेगा पानी में और आप इजीली मूव कर सकेंगे, से आप इवन बैलेंस भी रहेंगे और इजीली कैमरे को हैंडल कर पाएंगे और आप शूट करने के लिए इजी कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। और फाइनली फ्रेंड्स, अगर आपने सब कुछ प्रिपरेशन कर लिया, कैमरा, लेंसेज, मॉडल, सिक्योरिटी, अपने लिए सेफ्टी जैकेट, और अब आप शूट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अच्छी फ़ोटोज़ कैसी आएँ। अंडर वाटर्स में अगर हम फोटो खींचते हैं तो भैया धुंधली आती है, डल आती है, शार्पन कम होती हैं, तो उसके लिए हमें कैसे फ़ोटो शूट करना है। हाउ डू यू टेक गुड अंडर वाटर पिक्चर। अब फाइनल इतना सब कुछ करने के बाद में अब हमारा फ़ोटो अच्छी कैसे आएंगी, हमारा ये क्वेश्चन होता है कि भैया अंडर वाटर हमारी कई लोगों की फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती हैं, तो उसको कैसे अच्छा किया जाए। अच्छी फ़ोटोज़ के लिए आपको कैमरे के ऊपर फ्लैश होनी चाहिए है, आपको अराउंड 12 इंच के नियर अबाउट से ही जो भी शूट कर रहे हैं उधर से शूट करना चाहिए है, और मैक्रो लेंसेज या वाइड एंगल लेंसेज का यूज़ करना चाहिए है। साथ ही जो डिस्टेंस है उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, अगर आप फिल लेट डालेंगे तो ही वीडियो या फोटो में शार्पनेस, कलर अच्छे आएंगे, और वाइट बैलेंस जो है वो आप अंडर वाटर खींच रहे हैं तो ऑटो रखने पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अंडर वाटर फ़ोटो खींचेंगे तो आपकी फ़ोटोज थोड़ी सी रेडिश और ब्लूइश में डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो अंडर वाटर फ्रिक्वेंसी जो ट्रैवल कर रही होती है वो डिफरेंट हो जाती है जब हम फ्लैश की फिल डालते हैं तो, और नहीं डालेंगे तो आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो डल और लेस शार्प होंगी। शूट करने के बाद में आपने या क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी अंडर वाटर शूट कर रहे हैं उसके बाद में अगर आप उसको थोड़ा बहुत भी लाइट रूम पे या फोटोशॉप पे या किसी भी एप्लीकेशन जो फोटोग्राफी रिलेटेड ऐप हैं उन पे करते हैं तो आपकी फ़ोटोज़ और अच्छी हो जाती हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और आप सबका बहुत थैंक्स है कि वीडियो एंड तक देखा, और आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है या आपको कुछ इस वीडियो में अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, और अगर कोई कमी रह गई है तो वो भी बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं लगा तो डिसलाइक करके जाएं। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आपको जिसको शेयर करनी हो प्लीज़ उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस नॉलेज के बारे में आगे से यूज़ कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and click the bell icon all notification. Thank you.